फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि आप सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। रिसेंटली अगर आपको पता होगा कि जो पाकिस्तान के पीएम है, उन्होंने अभी रिसेंटली अनाउंस किया कि उन्होंने एक शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर वॉरहेड तैयार किया है इंडिया की कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन को जवाब देने के लिए। अब जैसे उन्होंने ये कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन नाम दिया, वैसे दुनिया भर के अंदर ये सवाल उठ गया कि ये कौन सी डॉक्ट्रिन है जो कि इंडिया ने प्रिपेयर करी है पाकिस्तान के लिए, जिसको पाकिस्तान को टैकल करने के लिए इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। तो आज इस वीडियो के अंदर अपन कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन क्या है और कैसे पाकिस्तान इसको काउंटर अटैक करने के लिए प्रिपेयर कर रहा है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर अपन आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये जानते हैं कि कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन है क्या। देखिए फ्रेंड्स, कोल्ड स्टार क्या एक मिलिट्री डॉक्ट्रिन है जो कि डेवलप करी गई है इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा। जब भी एक पॉसिबल वॉर होए पाकिस्तान से, उस टाइम पे ऑपरेट करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई गई है, एक डॉक्ट्रिन बनाया गया है जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस अप्लाई करेगी। इसके अंदर कई सारे ब्रांचेस बनाई गई हैं इंडियन मिलिट्री की, जिसके अंदर यूनिफाइड बैटल ग्रुप्स भी बनाए गए हैं जो कि अपना ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। ये डॉक्ट्रिन के अंदर ये है कि इतना जल्दी इंडियन आर्मी को अपना ऑपरेशन स्टार्ट करना है कि पाकिस्तान को रिटेलिएट करने का मौका ना मिले और पाकिस्तान तहस नहस हो जाए कुछ ही दिनों के अंदर। जब तक पाकिस्तान को मौका मिलेगा तब तक काफ़ी कुछ वहां पे ख़त्म हो चुका होगा। तो ये एक कंप्लीट चीज़ है जो कि इस डॉक्ट्रिन के अंदर मेंशन करी गई है। आगे देखते हैं व्हेन दे स्टार्टेड, तो कब ये स्टार्ट किया गया डॉक्ट्रिन के ऊपर काम, ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन जो है इसको कब इसके ऊपर काम स्टार्ट किया गया। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता होगा, 13 दिसंबर 2001 को इंडियन पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था और ये जो अटैक था ये जैश ए मोहम्मद के जो टेररिस्ट है उन्होंने अटैक किया था। और जैसा कि आपको पता है, ये सारे टेररिस्ट ग्रुप है, इसको आईएसआई पाकिस्तान फंड करता है। तो जैसे ही उन्होंने फंड किया तो इंडिया ने उसको रिटेलिएट करने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए, इंडिया ने 1971 के बाद सबसे बड़ा अपना ट्रुप तैयार किया था अटैक करने के लिए पाकिस्तान के ऊपर, जिसका नाम था ऑपरेशन पराक्रम, जो कि 2001-2002 के अंदर स्टार्ट किया गया था पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने को लेकर। जैसे ये अटैक हुआ उसके बाद में काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, तो वो जानते हैं क्या प्रॉब्लम्स आई। तो व्हाई दे स्टार्टेड, क्यों स्टार्ट किया गया, पहले तो अपन ने जाना व्हेन दे स्टार्टेड, अब देखते हैं व्हाई दे स्टार्टेड, क्यों ये कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन बनाने की जरूरत पड़ी। जब इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन पराक्रम स्टार्ट किया तो 3 स्ट्राइक कॉर्प्स बनाई गई, जिनको 3 वीक लग गए मोबिलाइज करने को लेकर और पोजीशन लेने को लेकर फ्रंटियर के ऊपर, कहाँ पे, इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर। ठीक है, तो अब इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर जाने में इंडियन आर्मी को 3 वीक लग गए और इतने टाइम सफिशिएंट था पाकिस्तान के लिए वहां पे खुद की फोर्सेस को लगाने को लेके। तो पाकिस्तान ने वहां पे डिफेंसिव मूव अपनाया और अपनी आर्मी डिप्लॉय कर दी। डिप्लॉय करने के बाद में इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट हुआ यूएस की तरफ से, बाकी कई देशों की तरफ से, और इंडिया को अपना ऑपरेशन सस्पेंड करना पड़ा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, क्योंकि इंडिया ने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया था ऑलरेडी अपने ऑपरेशन को आगे ले जाने को लेके। तो जो ये फेलियर हुआ था, ये लॉन्च के टाइम पे एक स्विफ्ट रेस्पॉन्स जो कि इंडियन आर्मी को करना चाहिए था, ये इसने एक आग का काम किया इंडियन आर्मी को लेकर, क्योंकि इंडियन आर्मी को सोचने पे मजबूर हो गई कि हमें इतना टाइम क्यों लगा और अगर हमें इतना टाइम लगेगा तो हम कैसे कोई भी फ्यूचर में ऑपरेशन कर पाएंगे पाकिस्तान के ऊपर। उसी के साथ में हेयर कम्स द न्यू डॉक्ट्रिन, उसी के बाद में एक नया डॉक्ट्रिन बनाया गया जिसका नाम रखा गया कोल्ड स्टार्ट। इस कोल्ड स्टार्ट के अंदर प्लान किया गया 48 आवर्स के अंदर हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे जब भी ऐसा कोई मौका आएगा। तो जो अटैक होगा तो पाकिस्तान के जो मेजर लीडर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इस्लामाबाद है और जो ऐसे जगह हैं जहाँ पर न्यूक्लियर इनके वॉर हेड्स रखे हुए हैं, उन सभी पे अटैक करने को लेकर 48 आवर्स के अंदर बात करी गई है। अब ये डॉक्ट्रिन जो है ये 2 मेजर एलिमेंट्स के ऊपर बना हुआ है। पहला वो है पिवट ग्रुप्स। पिवट ग्रुप्स क्या करेंगे, लैंड के ऊपर अटैक करेंगे और इतनी जल्दी अटैक करेंगे कि पाकिस्तान अपनी फोर्सेस डिप्लॉय ही नहीं कर पाएगा। दूसरा जो एलिमेंट है वो इसके अंदर है कि जो न्यूक्लियर जो उसके वेपन्स है उसके वहां पे अटैक किया जाएगा ताकि न्यूक्लियर वॉर हो ही ना सके और इंडियन आर्मी पहले ही उसके न्यूक्लियर आर्सेनल को खत्म कर दे। तो ये 2 एलिमेंट से बनाया गया है ये डॉक्ट्रिन। इसके बाद में इंडियन मिलिट्री के जो एनालिस्ट हैं उन्होंने इस बात को माना है कि जो कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन है, अगर ये पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो गया तो पाकिस्तान को बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा और ये जो प्रॉक्सी वॉर जो चल रही है, ठीक है, वो इफेक्टिव इंडियन रिट्रीब्यूशन के तहत खत्म होगी, यानी कि इंडिया टोटली डोमिनेट कर देगा अगर ये एक अच्छी तरीके से उसको इंप्लीमेंट करता है तो। इसीलिए जो पाकिस्तान के एनालिस्ट हैं वो इस कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन को बहुत ही डेंजरस डॉक्ट्रिन मानते हैं जो कि पाकिस्तान के लिए है।
इसी को लेकर पाकिस्तान ने इसको स्ट्रैटेजी बनाने की कई सालों से कोशिश भी कर रहा है, और सफल हुआ कि नहीं हुआ ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन काफ़ी चीज़ें इन्होंने डिप्लॉय करी है। अब देखते हैं कि क्या ये पहला डॉक्ट्रिन था जो कि इंडियन आर्मी ने बनाया। ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स, ये इससे पहले भी एक ओल्ड डॉक्ट्रिन बनाया गया था इंडिया के द्वारा, जिसका नाम था सुंदरजी डॉक्ट्रिन, जो कि 1981 से लेकर 2004 तक के लिए बनाया गया था। देखिए, जब सुंदरजी डॉक्ट्रिन बनाया गया तो उसके अंदर 7 डिफेंसिव होल्डिंग कॉर्प्स सेटअप करी गई इंडियन आर्मी की, जो कि पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय करी गई। उनको लिमिटेड ऑफेंसिव पावर्स दी गई थी, उनको अटैक करने की पावर्स तब दी गई अगर पाकिस्तान साइड से कोई एडवांसमेंट होता है तो। इसके अलावा वहाँ पर स्ट्राइक कॉर्प्स भी बनाई गई और मैकेनाइज इन्फेंट्री और एक्सटेंसिव आर्टिलरी सपोर्ट भी उनको दिया गया। लेकिन ये जो डॉक्ट्रिन था ये फेल हो गया जब 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ, जिसमें 5 मास्ड पर्सन थे जिन्होंने अटैक किया, जिसमें 12 लोगों की डेथ हो गई, जिसमें 5 गनमैन थे, 22 लोग इंजर्ड हो गए। और सिमिलर ऑपरेशन जो ये मिलिटेंट्स ने किया था ये 2 महीने बाद वापस से देखा गया, जब लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद इन लोगों ने जो जेएनके की स्टेट असेंबली है उसके ऊपर अटैक किया था। और जैसे ही अटैक किया, इंडिया रिसीव क्रेडिबल एविडेंस, इंडिया के पास अच्छे खासे एविडेंस भी थे कि ये पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड मिलिटेंट ग्रुप है, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, वो इस अटैक के पीछे थे। उसी के बाद में इंडिया ने ऑपरेशन पराक्रम स्टार्ट किया, जो कि एक लार्जेस्ट एक्टिवेशन था इंडियन फोर्सेस का 1971 बांग्लादेश वॉर के बाद में। ओके, और लेकिन प्रॉब्लम ये हुई, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 3 वीक लग गए इंटरनेशनल बॉर्डर तक इंडियन आर्मी को पहुंचने के अंदर। ऐसा होने के बाद में ये भी बहुत बड़ा सदमा था जो कि इंडियन आर्मी के लिए था, क्योंकि इतना लंबा टाइम तक कोई भी जो वॉर है उसको आप लेके नहीं बैठ सकते, और जो उनका स्विफ्ट रेस्पॉन्स था वो देखने को नहीं मिला। इसी के बाद में ये डॉक्ट्रिन अप्लाई करी गई, न्यू डॉक्ट्रिन का डेवलपमेंट किया गया, जिसके अंदर सिग्निफिकेंट चेंजेस करे गए इंडियन डिफेंस प्लानिंग को लेकर, जिसके अंदर एक्सरसाइजेस करी गई, जो रिड्यूसिंग टाइम है उसको देखा गया कि कितना रिड्यूस कर सकते हैं मोबिलाइजेशन टाइम, इम्प्रूव किए गए नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज, और जो भी डेवलपमेंट हो सकता है जल्दी मूव कराने को लेकर वो सारे यहाँ पे अप्लाई करे गए। ठीक है, और उसके बाद में ये जो नाम है फ्रेंड्स, ये जो कोल्ड स्टार्ट, ये जो डिराइव हुआ, ये नाम हुआ इंडिया की डिफेंस पोजीशन से, जो कि इंडियन मिलिट्री ने ली थी 1947 के टाइम पे, तो वहाँ से ये कोल्ड स्टार्ट नाम रखा गया है। ठीक है, और इसको लेके काफ़ी सारे एविडेंसेस हैं जो कि अपने को देखने को मिले हैं। अब देखते हैं इसका गोल क्या है कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो गोल है वो इसका क्या है कि कैपेबिलिटी जो है रिटेलिएशन की इंडियन साइड से पाकिस्तान की तरफ जो करने को लेकर, उसको टाइम को रिड्यूस करने को लेकर है। और इतना जल्दी, यानी कि 48 आवर्स में इंडियन आर्मी अटैक कर दे कि ना तो पाकिस्तान को सोचने का मौका मिले, ना ही कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व होने का मौका मिले, जब तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, US, UK, बड़े बड़े कंट्रीज इसके अंदर इन्वॉल्व हो, तब तक पाकिस्तान को बहुत बड़ा लॉस हो चुका हो। ये इसका गोल है कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का। अब देखते हैं वैलिडेशन क्या है इस डॉक्ट्रिन की। अपन ने बात करी कि कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है, ऐसे है वैसे है, लेकिन इसकी वैलिडेशन क्या है। अब देखिए, वैलिडेशन की बात करें तो 2011 के अंदर इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था एक ऑपरेशन विजयी भव है, ओके, बी विक्टोरियस, एक डिफेंस एक्सरसाइज थी जिसके अंदर 50,000 ट्रुप्स बीकानेर, सूरतगढ़, राजस्थान के एरिया में डिप्लॉय करे गए, और सिनर्जी दोनों के बीच में करे गए। सिनर्जी का मतलब होता है कॉपरेशन, ओके, कॉपरेशन वहाँ पे डेवलप किया गया वेरियस ब्रांचेस जो इंडियन आर्म फोर्सेस की है, ताकि जो मोबिलाइजेशन टाइम है, जो मूवमेंट टाइम है, उसको कम किया जा सके। और जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था वो भी वही था कि कट डाउन द मोबिलाइजेशन टाइम ऑफ द मिलिट्री। जैसा कि मैंने आपको बताया, 25 डेज जो मोबिलाइजेशन में लगे थे, जो 3 वीक लग गए थे ऑपरेशन पराक्रम टाइम को, उसको घटा के 48 आवर्स तक लेके आना इसका मोटिव था। उसके बाद में 2011 के अंदर इंडिया ने प्रहार नाम की एक और सॉलिड टेस्ट टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल डिप्लॉय करी, 150 किलोमीटर तक की इसकी रेंज थी, ताकि जल्दी से अगर इंडिया को अटैक करना पड़े तो उसका वो यूज़ कर सके। उसी के बाद में इंडिया ने और कई सारी ऑपरेशन स्टार्ट किए, जैसे कि सुदर्शन शक्ति साउथ कमांड हेडक्वार्टर के अंदर कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को वैलिडेट करने के लिए। ये एक डेजर्ट एक्सरसाइज थी जो कि इंटीग्रेटेड थिएटर बैटल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड थी, जिसका भी मोटिव यही होता है जो डिफेंस विंग्स हैं, मिलिट्री एलिमेंट्स हैं, उनको पार्टिसिपेट किया जाए एक साथ और जल्दी से जल्दी दूसरे सेना के ऊपर अटैक किया जाए। ओके, उसके अलावा भी इंडियन मिलिट्री ने कई सारे न्यू इंड्यूस करे हैं, रडार्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, सर्विलियंस सिस्टम, प्रीशियस गाइडेड बॉम्ब्स, मिसाइल्स, स्पेस बेस्ड एसेट्स, रियल टाइम डाटा शेयरिंग बिटवीन एलिमेंट्स, ये सभी डिप्लॉय करना चालू किया, इन पर काम करना चालू किया, क्योंकि अगर आपको 48 आवर्स के अंदर अटैक करना है तो इन सभी टेक्नोलॉजी का आपके पास में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक रियल टाइम डाटा प्रोवाइड करते हैं। अब जब अपन बात कर रहे हैं कि अपन ने 2001 के बाद में ये सब डिप्लॉय कर लिया था, तो 2008 के में जब अटैक हुआ तब ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन कहाँ था,
तब अपन ने अटैक क्यों नहीं किया? अगर पार्लियामेंट पर अटैक होने पर अपन ऑपरेशन पराक्रम स्टार्ट कर सकते हैं, तो 2008 में जब मुंबई टेरिस अटैक हुआ तो उसके बाद अपन ने क्यों कुछ नहीं किया? अब देखिए फ्रेंड्स, इसका एक बहुत ही अच्छा जो आंसर है जो कि बाद में देखने को मिला वो ये था कि जो अगर तो ये जो टेररिस्ट ग्रुप ने अटैक किया था, जैसे कि जैश ए मोहम्मद और भी कई सारे हैं, तो इन्होंने जब अटैक किया था तो इनका मोटिव यही था कि पाकिस्तान को इंडिया की तरफ वॉर की तरफ भेजा जाए। इनको पता था कि सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया का पाकिस्तान है, अगर कोई टेररिस्ट ग्रुप अटैक करता है तो इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट और टेररिस्ट ग्रुप के बीच में काफ़ी टसल चल रही थी उस टाइम के ऊपर। तो उनको सबक सिखाने के लिए जो टेररिस्ट ग्रुप है उन्होंने ये एक्शन लिया था कि अगर इंडिया पर अटैक करेंगे तो इंडिया वापस से अटैक करेगा पाकिस्तान के ऊपर, और तब पाकिस्तान गवर्नमेंट को समझ में आएगी कि उनको सपोर्ट करना चाहिए टेररिस्ट को। और ये सब जो चीज़ें हैं वो निकल के आई हेडली के नाम से, आपको है पता होगा डेविड हेडली जो कि अमेरिका में पकड़ा गया था, डेविड हेडली इन्होंने ये एक्सेप्ट इसने ये एक्सेप्ट किया था इस पर्सन ने एक्सेप्ट किया था कि जो इनका मोटिव था वो यही था कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई करा दी जाए। हालांकि इंडिया ने थोड़ा वहाँ पर सब्र किया और उसके बाद में रिटेलिएशन करने के बजाय जो जड़ तक जब इस डॉक्यूमेंट्स के गए तब इंडिया को पता लगा और इंडिया ने अटैक नहीं किया, जो कि एक सही भी डिसीजन था, क्योंकि जो टेररिस्ट था उनका मोटिव फुलफिल हो जाता अगर इंडिया अटैक कर देता। तो इसके बाद में देखते हैं इंपैक्ट क्या पड़ा इस डॉक्ट्रिन का, जो कोल्ड सैट डॉक्ट्रिन की जो अपन बात कर रहे हैं इसका इंपैक्ट क्या पड़ा। देखिए सिमिलर वे में जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ने एक काफ़ी सालों पहले स्टार वॉर्स प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जिसमें उन्होंने अपनी जो मिलिट्री की जो कैपेबिलिटी है उसको काफ़ी बढ़ाई थी। बढ़ाने के बाद में जो सोवियत यूनियन है जो यहाँ पे उस टाइम पे जब कोल्ड वॉर चल रही थी, उनको अपनी इकोनॉमी के अंदर बहुत नुकसान झेलना पड़ा क्योंकि उनको अपना आर्सेनल इंक्रीज करना पड़ा। वैसे ही थ्रेट इंडियन कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन से भी पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने 32% अपना डिफेंस बजट हाथों हाथ इंक्रीज कर दिया। हालांकि इंडिया ने भी जब ये डॉक्ट्रिन अप्लाई किया तो इंडिया को भी एक अच्छा खासा बजट की जरूरत थी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि नई डिप्लॉय करने की जरूरत थी। तो इंडिया ने $24 बिलियन से $40 बिलियन तक का 2007 से 2009 तक अपना डिफेंस बजट को बढ़ाया, और उसी के एवज में पाकिस्तान ने भी 32% अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी वैसे डाउन थी और डाउन हो गई। ओके, अब ये न्यूज़ में क्यों है ये भी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट करते हुए वीडियो बताया था कि जो पाकिस्तान के पीएम है शाहिद अब्बासी, उन्होंने वेनेसडे को रिसेंटली अभी 2-3 दिन पहले एक क्लेम किया है कि उनके कंट्री ने शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर वेपन डेवलप किया है काउंटर करने के लिए इंडिया की कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन को। जैसे ही इन्होंने ये बात कही वैसे ही एक काफ़ी बड़ा मुद्दा उछल गया कि ये कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन इंडियन आर्मी की कैसे बनाई हुई है और इसको लेके क्या चीज़ें पाकिस्तान कर रहा है। तो जैसे कि इंडिया के अंदर है वैसे ही पाकिस्तान भी कई सालों से इसके ऊपर काम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा अगर सोर्सेज की बात की जाए जो US और UK के सोर्सेज की, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा डेंजरस बताया इस कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन को, जिससे पाकिस्तान को कभी मौका भी नहीं मिलेगा वापस खड़े होने का। सो फ्रेंड्स, ये आज का वीडियो था, उम्मीद है आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं, उनको इंडियन मिलिट्री के जो बड़े काम है उनके बारे में बताइए, ताकि जो इंडियन आर्मी को लेके जो एक रेस्पेक्ट है सभी के अंदर वो हमेशा बनी रहे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम।